हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल्ट सीरीज TFF के एपिसोड 6 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में पॉरन कंपनी को दिखाया जाता है जो कि गाते बचाते हुए उस अपने वेकेशन होम की तरफ जा रहे होते हैं और पॉर इस पूरे माहौल की शूटिंग कर रहा होता है। तभी अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगता है और सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सभी लोगों के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। सब लोग जब जाके गाड़ी को चेक करते हैं तो पता चलता है कि गाड़ी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। तभी यहाँ पर जो फ्लूक होता है उसको कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, तो जब अपने साइड मोड़कर देखता है तो जनता कल्ट को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो प्रतिमा अचानक से उसके सामने आई हुई होती है। तभी उसके सामने वो मास्क वाला शैतान आ जाता है जिसे देखकर फ्लूक के तो होश उड़ जाते हैं। तभी सब दौड़कर फ्लूक के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि फ्लूक तुम्हें क्या हुआ। तो यहाँ पर फ्लूक कहता है कि मैंने कुछ देखा, मैंने वहां पर कुछ देखा। सब उससे पूछते हैं कि फ्लूक तुमने क्या देखा। तो यहाँ पर फ्लूक कहता है कि मैंने जो देखा वो लगभग ऐसा कुछ भूत के जैसा है, जैसा लगता है कि वो कोई भूत भूत है और उसकी आंखें देखो, उसकी आंखों में ऐसा लगता है कि खून भरा हुआ है। यहाँ पर टॉप भी खूब जोरों से चीखता है और यहाँ पर पॉर उसके पास जाता है, कहता है कि टॉप तुम्हें क्या हुआ। तो यहाँ पर टॉप कहता है कि मैंने भी वो देखा, मुझे भी लगता है कि मैंने उसे देखा। तो फ्लूक टॉप से कहता है कि टॉप तुमने भी वही देखा ना। तो यहाँ पर टॉप कहता है कि हाँ मैंने देखा, उसके बड़े बड़े बाल है, उसने हाथों में कुल्हाड़ी ली हुई है और वो मुझे मारने के लिए मेरी तरफ आ रहा है, फ्लूक को मेरी जान ले लेगा। यहाँ पर पॉर इस सारे सीन की बहुत ज्यादा अच्छे से शूटिंग कर रहा है, लेकिन जैसे वो अपना कैमरा घुमाता है वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन जब वो कैमरा हटाता है अपनी आंखों से वहां पर देखता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो फिर से कैमरे से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उस जनता कल्ट के पीछे से सच में कोई आत्मा निकल रही है। ये देखकर पॉर पूरी तरीके से घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसके सामने टी जिसने मास्क मर्डर वाला भेस पहना होता है वो उसके सामने आ जाता है। उसको अपने इतना करीब देखकर पॉर बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर पॉर उस मोमेंट को रिकॉर्ड करने लगता है जब जिन और नॉन दोनों उस आत्मा से बचने के लिए भाग रहे होते हैं और पॉर पूरी मूवमेंट की शूटिंग कर रहा होता है। पूरी शूटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो शैतान है उसने अंकल डैंग को पकड़ लिया होता है और अंकल डैंग इन लोगों से मदद की भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन ये लोग अंकल डैंग को बचाने की वजह वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपनी ही बनाई हुई वीडियो को बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा उसे इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो फिर टॉप कहता है कि क्या पॉर तुम उस सीन को शूट कर रहे थे, तुमने मुझे एक भी सिग्नल नहीं दिया, देखो इस एंगल से मैं कितना ज़्यादा बुरा लग रहा हूँ। फिर कहता है कि कम से कम तुम और नॉन अपना चेहरा तो दिखा सकते हो और मेरा क्या, मुझे तो कौन देखेगा, मैंने तो पूरे टाइम मास्क पहन रखा था। फिर फ्लूक कहता है लेकिन तुमने जो कुछ भी किया मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आया। तभी यहाँ पे पॉर भी कहता है कि टी ये रोल तुम पे सूट करता है, मैं तुमसे कहा था ना कि तुम इसके लिए परफेक्ट हो। तो यहाँ पे जिन भी बात को एग्री करता है और कहता है कि टी तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, मुझे तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर टी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे कोई भी रोल मिले वो सब मुझ पे सूट करता है। फिर पॉर कहता है कि मैं बहुत ही जल्द से जल्द अपनी इस मूवी को दूसरे लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि हाँ मैं भी इस मूवी से पैसे कमाना चाहता हूँ। तो टी कहता है कि पॉर मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यूज ऐसे फैलाई गई है उसकी वजह से हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, हो सकता है कि हम इस मूवी से मिलियंस बात कमा लें। तो पॉर कहता है कि क्या बात है टी, तुम इससे मिलियंस की इच्छा रखते हो। तो टॉप कहता है कि खैर हमें अपने सपने बड़े रखने चाहिए ताकि जब हमें उतने सारे पैसे मिले तो हम उससे पगलाए ना। तभी अचानक से मिड शूटिंग में ही कट की आवाज आती है तो ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे टी पूछता है कि ये कटिंग सीन कौन कर रहा था। तो पॉर कहता है कि मैंने नहीं किया, मैं तो बस डायरेक्ट कर रहा था। तभी यहाँ पर सब लोग फ्लू को देखने लगते हैं तो फ्लू कहता है कि मैंने भी नहीं किया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस प्रोग्राम को चलाते कैसे हैं। तभी यहाँ पे सब घूर घूर के नॉन को देखने लगते हैं और यहाँ पे टी नॉन से कहता है कि ग्रेसी इसका मतलब ये है कि अब तुम ये काम करोगे। तभी नॉन कहता है कि लेकिन, तो यहाँ पे टी कहता है कि कुछ भी लेकिन वो कि नहीं, तुम कटिंग करोगे मतलब तुम ही कटिंग करोगे, पैसा हम लोगों तक पहुंचने ही वाला है, क्या तुम्हें पैसा नहीं चाहिए नॉन। तो जिन कहता है कि ठीक है फिर मैं नॉन की मदद करूंगा, इससे काम जल्दी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सीन हमें नॉन और जिन को दिखाया जाता है और ये लोग मूवी की कटिंग कर रहे होते हैं। कटिंग का मतलब ये है कि मूवी में जो सीन बेटर है उसको चूज कर रहे होते हैं, जो अच्छा नहीं है उसको डिलीट कर रहे होते हैं और एक तरीके से एडिटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो नॉन होता है वो जिन को प्रोग्राम के इफेक्ट्स के बारे में बता रहा होता है कि हम ये इफेक्ट डालें, ये करें, वो करें, तो कैसा रहेगा दुनिया भर का। और हमें यहाँ पे जिन को दिखाया जाता है जो कि बस नॉन को घूरे जा रहा होता है, उसके दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं और वो बस जैसे वो नॉन को टच करता है, मतलब उसका शोल्डर नॉन के शोल्डर को टच करता है, नॉन जिन की तरफ घूर के देखता है और जिन का फेस देखता है कि वो उसको एकदम घूरे जा रहा है। तो यहाँ पे नॉन जो होता है जिन को आवाज लगाता है। जिन नॉन की इतनी तेज आवाज सुनने के बाद जिन अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है और वो डिस्कस करने लगता है कि कौन सी फोटोज कट करनी चाहिए कौन सी नहीं। तभी वो इस चीज को नोटिस करता है कि उसके और नॉन के बातचीत के दौरान नॉन के मोबाइल पे बार बार SMS आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जिन कहता है कि नॉन क्या तुम मैसेजेस चेक करना चाहते हो, मैंने देखा कि तुम्हारे मोबाइल पे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, तुम जाके मैसेजेस चेक कर लो, मैं तब तक ये खुद से कर लेता हूँ। तो फिर नॉन कहता है कि ठीक है और अपना मोबाइल लेकर जाता है और जिन के पीछे रखी हुई चेयर पे जाके बैठ जाता है और अपने SMS चेक करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि टी ने एक्चुअली नॉन को ट्रांसफर शेड्यूल भेजा हुआ होता है और वो नॉन को मैसेज करके कहता है कि इस बार हम इन कस्टमर्स को पैसे भेजेंगे और जो टाइम मैंने तुम्हें बताया एग्जैक्ट उसी टाइम पर तुम पैसे ट्रांसफर करना। लेकिन नॉन कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकता है, उसने तो सारे के सारे पैसे पॉर को दे दिए होते हैं। बट उसे ये भी मैसेज करता है कि आजकल पुलिस ने इस तरीके के बहुत सारे अकाउंट्स को पकड़ रखा है और बॉस नहीं चाहते कि पुलिस हम लोगों तक पहुंचे, इसलिए सतर्क रहना। और यहाँ पर वो नॉन को एक वीडियो भी भेजता है
और उस वीडियो को देखकर नॉन पॉजिटिव शॉक हो जाता है और वो जोर से शिया बोलता है। नॉन की शिया वाली आवाज जिन सुन लेता है। जिन जो होता है नॉन के पास जाता है और कहता है कि नॉन क्या बात है तुम ठीक तो हो। तो यहाँ पे नॉन बहुत ज्यादा शॉक होकर जिन को देखने लगता है। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है कि नॉन तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहे हो, क्या कुछ बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। फिर नॉन कहते कि नहीं कुछ भी नहीं, मैं मेरा मैसेज देखना हो गया, चलो हम लोग अपना काम करते हैं। नेक्स्ट सीन में इन लोगों को दिखाया जाता है कि लोग वापस से वीडियो एडिटिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे पॉर अपने दोस्तों के सामने टेबल पर एक लेटर रखता है। उस लेटर को देखकर फिर लोग कहते हैं कि पॉर क्या तुम्हें भी ये मिला है। और यहाँ पर जिन और पॉर ये दोनों लोग भी अपना अपना लेटर निकालते हैं। यहाँ पर जिन कहते हैं कि मुझे भी लेटर मिला है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया है। तभी वहाँ पर टी और टॉप आते हैं और टी पूछता है कि क्या हो गया दोस्तों तुम लोग ऐसे क्यों हो। यहाँ पे पॉर कहता है कि हमारे बैंक अकाउंट्स की चेकिंग को लेकर हम लोगों को वार्निंग मिली हुई है। यहाँ पे टॉप जो होता है वो वार्निंग लेटर देखता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया होता है। और यहाँ पे फ्लू कहता है कि जरूर से जरूर उस ग्रेसन ने किया होगा क्योंकि ग्रेसन ही हम सब लोगों के लिए बैंक अकाउंट ओपन किया था। तभी जिन कहता है कि नॉन ऐसा कभी नहीं करेगा, बिना पूरी जानकारी के कंक्लूजन पर मत आओ, जब वो हमें मिलेगा तो हम लोग उससे पूछेंगे और फिर देखते हैं कि हम लोगों को आगे क्या करना है। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि ठीक है मुझे भी उससे पूछना है, मैं ये जानना चाहता हूँ लेकिन वो ग्रेसी है कहाँ, क्या वो एब्सेंट है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि मैंने भी उसे नहीं देखा। और यहाँ पे पॉर सॉरी फ्लू कहता है कि मैंने भी उसे कॉल किया लेकिन उसने मेरे कॉल नहीं रिसीव किए। तो जिन कहता है कि हो सकता है कि नॉन ने बहुत ज्यादा देर तक कटिंग सीन किया हो और इसलिए वो सुबह देर से उठा हो। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि क्या कटिंग, ये तो पूरी पागलपंथी वाली बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमें अवॉइड करना चाहता है उस ग्रेसी, उसकी वजह से आज सुबह मेरे डैड ने मुझे डांटा। तभी यहाँ पे फ्लू पूछता है कि तुम दोनों का क्या, क्या तुम दोनों को ये वार्निंग लेटर नहीं मिला। तो यहाँ पे टॉप डेवल स्माइल करता है, उसके बाद कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुंचा इसलिए मैंने बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं किया। और यहाँ पे टी कहता है कि मैंने अभी तक अपने घर का जो लेटर बॉक्स है उसे चेक ही नहीं किया। नेक्स्ट सीन में टी के अंकल को दिखाया जाता है जो कि टी से कह रहा था कि तुमने अपने दोस्त को क्या सिखाया था, चीजें इस तरीके से क्यों हो गई। तो यहाँ पे टी घबराते हुए कहता है कि आई एम सॉरी अंकल। तो यहाँ पे टी के अंकल चिल्ला के कहता है कि अगर पुलिस तुम तक पहुंच गई और उसने तुम्हें पकड़ लिया और तुम उसको सॉरी बोलोगे तो क्या तुम्हें जेल में नहीं डालेगी। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहो। और क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे दोस्त ने वो पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। तो यहाँ पे टी घबरा के कहता है कि नहीं मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता है कि उसने किसी और को पैसे क्यों ट्रांसफर किए हैं। तो यहाँ पे टी के अंकल कहते हैं तब तो तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि अब तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ क्या करना है। तो यहाँ पे टी कहते हैं कि हाँ अंकल मुझे पता है। नेक्स्ट सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पे नॉन खाना खरीद कर बहुत ज्यादा हैप्पीली एक ब्रिज से जा रहा होता है। तभी कुछ गुंडे उसके सामने आ जाते हैं, उसको आवाज लगाते हैं, उनसे बचने के लिए नॉन भागता है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे से टी अपने दोस्तों को लेकर आ रहा हुआ है। नॉन इन लोगों से बचकर भागने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है, ये लोग नॉन को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर टी के गुंडे नॉन को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, वो उसको दरिंदों की तरह पीट रहे होते हैं। तभी यहाँ पे टी बहुत ज्यादा डरावने अंदाज में नॉन के पास आता है और उससे कहता है कि क्रिसी तुमने ऐसा क्यों किया, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि अगर तुम कस्टमर्स के अकाउंट से पैसा निकालते हो तो क्या होगा। तो फिर नॉन रोते हुए कहते कि टी मुझे उस समय पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर टी चिल्ला के कहते कि ग्रेसी सभी लोगों को पैसे की जरूरत है, और सब बोलकर वो नॉन को टॉर्चर करने लगता है। और यहाँ पर नॉन रोते हुए कहते कि टी प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तो यहाँ पे टी कहते कि ग्रेसी तुम्हें जल्द से जल्द वो पैसे लौटाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे शरीर के अंग बेचने पड़ेंगे। और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। और रही बात पुलिस की तो जाकर कन्फेस करो कि ये सारा का सारा काम तुमने किया है, नहीं तो बॉस तुम्हारी जान ले लेंगे। और सब बोलकर नॉन को मार पीट कर ये लोग उसे वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पे नॉन बहुत ज्यादा रोता हुआ अपने खाने को समेट कर बहुत ज्यादा रो रहा होता है। फिर में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉन ने एक हुडी पहनी हुई होती है और बहुत ज्यादा लड़खड़ाते हुए लंगड़ाते हुए नीचे उतर के आ रहा होता है। उसको ऐसा देखकर नॉन की मम्मी से कहती है कि नॉन आज तुम फिर से सुबह सुबह इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे नॉन कोई भी जवाब नहीं देता तो उसकी मम्मी से कहते हैं कि बेटा किसी भी मुसीबत में मत पड़ना। तो फिर नॉन कहते हैं कि मॉम मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। नेक्स्ट सीन में नॉन को दिखा जाता है जो कि वो हुडी पहनकर लंगड़ाता हुआ स्कूल की तरफ आता है। और मैं दिखाया जाता है कि स्कूल में कुछ पुलिस वाले होते हैं जो कि नॉन को ही ढूंढ रहे होते हैं। वो जब नॉन को आता हुआ देखते हैं तो कुछ बातें करते हैं और वो नॉन के पास आते हैं। पुलिस वालों को देखकर नॉन वहाँ से भागने वाला होता है लेकिन तभी सारे पुलिस वाले नॉन के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारा नाम ही नॉन है। तभी नॉन कहता है कि हाँ मेरा ही नाम है। तो पुलिस वाले नॉन से कहते हैं कि नॉन थोड़ा साइड में चलो, हमको तुमसे कुछ बातें करनी है। और सब बोलकर पुलिस वाले नॉन को वहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाया जाता है जिसकी फोटो तो खींची जा रही होती है। और यहाँ पर जिन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और ये बात उस अकाउंट की तो मेरे दोस्त ने वो अकाउंट ओपन करने के लिए कहा था। नेक्स्ट सीन में फ्लू को दिखाया जाता है जो कि पुलिस वाले को बता रहा था कि नॉन मेरे पास आया था, उसने बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कहा था। उसने कहा था कि इससे शॉर्ट मूवी के लिए जो बजट है उसको काउंट करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में पॉर को दिखाया जाता है जो कि पुलिस वाले से कहता है कि क्या अभी भी आपको कुछ और पूछना है, हम लोगों को नॉन ने धोखा दिया है, हम लोगों को बेवकूफ बनाया उसने और हम लोग तो बस विक्टिम है। नेक्स्ट सीन में पुलिस को दिखाया जाता है जो कि नॉन से सवाल करती है और कहती है कि तो क्या तुमने ही अपने दोस्तों को बेवकूफ बनाया और उनसे वो अकाउंट ओपन करवाया और इन अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया। और यहाँ पर पुलिस नॉन की भी पिक्चर क्लिक करती है और नॉन से पूछती है नॉन
क्या ये सब तुमने अकेले किया है या तुम्हारे पीछे कोई और भी है? ये सवाल सुनते नॉन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसकी आंखें इधर उधर होने लगती हैं और वो अपने कांपते हुए होठों से कहता है कि नहीं, ये सब मैंने किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए अकेले इतना सब कुछ करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमें बता दो कि कौन है इन सब चीजों के पीछे। ये सवाल सुनकर नॉन फिर से मौत के डर से घबरा जाता है और अपनी हड़बड़ाती हुई आंखों और कांपते हुए होठों से एक ही चीज कहता है, नहीं, ये सब मैंने खुद किया है, इसके पीछे कोई और नहीं है। नेक्स्ट सीन में पॉल के डैड और मॉम को दिखाया जाता है जो कि उस पुलिस स्टेशन में आते हैं। हमें पॉल को दिखाया जाता है जिसको पुलिस पकड़ के ला रही होती है, तो पॉल अपनी मॉम से कहता है कि मॉम प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहीं पे पॉल की मॉम कहती है कि बेटा तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो, तुम चिंता मत करो, तुमने कुछ भी नहीं किया है और पुलिस तुमको छोड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। यहीं पे पॉल के डैड पुलिस वाले से पूछते हैं कि इंस्पेक्टर तुम इस मैटर को कैसे हैंडल करने वाले हो। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि सर आपका बेटा बिल्कुल भी दोषी नहीं है, उसे तो बस बेवकूफ बनाया गया था। यहीं पे पॉल के डैड कहते हैं कि अगर आप जो कुछ भी कह रहे हो वो सही है तो आप मेरे घर पे आइए, आपके लिए एक शानदार पार्टी है। तभी यहाँ पे नॉन की मॉम आ जाती है और पुलिस वाले से पूछते हैं कि वो स्टूडेंट्स कहाँ है जिनको आप लेकर आए। पुलिस वाला पूछता है कि क्या उसका नाम नॉन है, तो यहाँ पे नॉन की मॉम कहते हैं कि हाँ मैं उसकी मॉम हूँ, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो जी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे पॉल की मॉम कहते हैं कि ओह तो ये तुम हो जिसके बेटे ने लगभग मेरे बेटे को जेल भेज दिया था, अपने बेटे को सिखाओ कि कैसे जिया जाता है। अगर तुम्हारा बेटा इतनी सी उम्र में मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें कर सकता है तो जब वो बड़ा होगा तो वो क्या क्या करेगा। बच्चे तभी पैदा किया करो जब उनको पालने की औकात हो, नहीं तो बड़े होकर बच्चे इसी तरीके के स्कैमर बन जाते हैं। और की मॉम की ऐसी बातें सुनकर नॉन की मॉम उसको थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी नॉन के डैड नॉन की मॉम को रोक लेते हैं। तो यहाँ पर पॉल की मॉम बहुत ज्यादा घमंड में कहती है, ओह क्या सच में तुम ऐसा करना चाहती हो, एक बार करके तो देखो, फिर माँ और बेटे दोनों जेल में बैठना। और यहाँ पर पैसों में पॉल की मॉम से कम होने की वजह से नॉन की मॉम अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है। घर में घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉन की मॉम नॉन से कह रहे थे कि बेटा हमने कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, तो तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है कितना ज्यादा शर्मनाक है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से अब मैं बाहर भी नहीं निकल सकती। तो फिर नॉन के डैड नॉन से कहते हैं कि अगर चीजें तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा मुश्किल हो गई हैं तो हम तुम्हारा स्कूल छुड़वा सकते हैं या फिर तो तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। फिर नॉन की मॉम नॉन के डैड को चिल्ला के बोलती है कि तुम हमेशा इसके लिए आसान रास्ता ढूंढ लेते हो, क्या तुम उसे अपने तरीके से लाचार और बहुत ज्यादा लूजर बना सिखा रहे हो, तुम कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करते, तुम कुछ भी सही नहीं कर सकते। फिर नॉन के डैड चिल्ला के कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं, मैं कभी भी तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मैं चाहे जो कर लूं, और हाँ इस तरीके के संतान होने के लिए तुम सिर्फ मुझे ही ब्लेम नहीं कर सकते। और इस तरीके से यहाँ पर नॉन के मॉम और डैड एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं और सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। घर में नॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देख रहा होता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है। किसी भी बच्चे को अपने पेरेंट्स को इस तरीके से लड़ते हुए देखना सच में बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। हमें न्यूज वालों को दिखाया जाता है जो कि पॉल के मॉम और डैड को घेर लेते हैं और बार बार पॉल के डैड से इंटरव्यू लेने के लिए बोल रहे होते हैं। तो ये फाइनली पॉल के डैड इंटरव्यू देने के लिए मान जाते हैं और घुमा फिरा के सारा कुछ जो इल्जाम होता है वो नॉन पे लगा देते हैं और अपने बच्चे को बचा लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारे बेटे का इन सब चीजों से कोई लेने देना नहीं है, वो तो बस विक्टिम है। नेक्स्ट सीन में पॉल एंड कंपनी को दिखाया जाता है जो कि इस पूरी घटना को इस पूरी न्यूज को अपने मोबाइल में देख रही होती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। तो फिर टॉप कहते हैं कि पॉल अब हम लोग क्या करेंगे। तो फिर पॉल कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है, हम लोग अपनी शूटिंग को कंटिन्यू करेंगे, हम लोगों को अपनी जिंदगी ऐसे नॉर्मल जीनी होगी ताकि लोगों को सच में ऐसा लगे कि हमारा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर हम शूटिंग को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में बातें करेंगे और उनको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हम लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे। और यहाँ पर ये लोग अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं कि लोग फाइनली उस शूटिंग को कम्प्लीट करेंगे। और यहाँ पर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि बार बार नॉन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन नॉन यहाँ पर जिनका कॉल रिसीव नहीं करता, वो एक बार भी जिनका कॉल नहीं रिसीव करता। हमें यहाँ पे नॉन का वॉलपेपर दिखाया जाता है जहाँ पे किसी लड़के के साथ चिपक के बैठा हुआ होता है, आई डोंट नो हु इज हिज लवर, लेकिन यहाँ पे नॉन इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जिनको दिखाया जाता है जो कि कैंपस में नॉन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है, वो बार बार ये सोच रहा होता है कि नॉन कहाँ चला गया, ना तो मेरा कॉल उठा रहा है और ना मेरे मैसेज का जवाब दे रहा है। तभी यहाँ पर जिन एक कैब बुलाता है और उस कैब में बैठ कर वो नॉन के घर जाने लगता है। और फिर हमें नॉन को दिखाया जाता है जो कि इन सब चीजों से परेशान होकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है और अपनी सभी दवाइयों की डोज को उठाता है, सारे बॉक्स को ओपन करता है। फिर जिनको दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है, वो कैब वाले से कहते हैं कि भैया प्लीज कि आप थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। और फिर मैं नॉन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रहा होता है, सारी दवाइयों को अपने हाथों पे उड़े लेता है। और यहाँ पे जिनके दिल की धड़कने बढ़ रही होती है, उसको कुछ तो ऐसा फील हो रहा होता है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, नॉन वो सारी दवाइयाँ खाने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी की आवाज आती है जो कि नॉन नॉन आवाज लगाता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसके घर के सॉरी उसके रूम के बाहर कोई लड़का खड़ा हुआ है जो कि दरवाजा ओपन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नॉन उसके सवालों का जवाब नहीं देता, उसको एक बार भी रिप्लाई नहीं देता और वो सारी की सारी दवाइयां वो खाने लगता है। वो लड़का जो कि शायद जिन है, बहुत ही ज्यादा कड़ी मशक्कत के बाद उस रूम के दरवाजे को तोड़ देता है और रूम के अंदर एंटर करता है और वो नॉन के मुंह से उन सारी दवाइयों को बाहर निकाल लेता है और बहुत ज्यादा रोते हुए नॉन को हक कर लेता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि लड़का जिन नहीं एक्चुअली पी है। यहाँ पर बार बार नॉन से ही कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था,
और यहाँ पर एक सस्पेंस भी क्रिएट होता है कि क्या सच में भी पहले से नॉन को जानता था। अगर वो पहले से नॉन को जानता था तो उसने एपिसोड के स्टार्टिंग में ये क्यों कहा कि नॉन कौन है और मुझे इसके बारे में और ज्यादा जानना है। फिर ने क्यों एपिसोड के स्टार्टिंग में ऐसे दिखाया जैसे कि वो नॉन को जानता ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। सो फ्रेंड, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, प्लीज आप लोग मुझे इंस्टा पर भी सपोर्ट करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।